सोने का कड़ा राही। वो एक घना जंगल था, उसे पार किए बिना शहर जाने का रास्ता नहीं था। एक दिन एक राही शहर जाने के लिए उस रास्ते गुजर रहा था। जंगली जानवरों के डर से अपनी जान को बचाते हुए चल रहा था। उसी जंगल में एक बूढ़ा बाघ, जो कमजोर हो गया था और शिकार नहीं कर सकता था, भूखा सा एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। जंगल में गुजर रहे उस राही को उसने देख लिया, लेकिन उस राही पर हमला करके उसे मार कर खाने की ताकत उसमें नहीं थी। किसी प्रकार से उसे मार कर अपनी भूख मिटाना चाहती थी। शिकार करने की ताकत खोने के बाद में चाल चलकर आदमियों को मारकर भूख मिटाने की आदत उसने डाल रखी थी। राही के उधर आने से उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। इसके पहले एक आदमी को मारने के बाद उसने उसके हाथ का एक सोने के कड़े को अपने पास रख लिया था। जंगल में जल्दी जल्दी उस ओर आते राही को देखकर खुश होने लगा। उसने कहा, ओ राही, इधर देखो, इधर आओ। बाघ को अचानक देखकर राही घबरा गया, मगर उसके हाथ में चमकता हुआ सोने के कड़े को देखकर घबराहट में भी उसे लालच हो गया। हौसला लेकर कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो, तुझे मेरे साथ क्या काम है? तब वो बाघ ने सात्विकों जैसे अभिनय करते हुए कहा, देखो राही, तुम्हें देखने पर पता नहीं क्यों मुझे दया आ गई है। लगता है तुम कई मुश्किलों को झेलते हुए गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? मुझे अपने रास्ते पर जाने दो, शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। इधर देखो, ये सोने का कड़ा है, बहुत कीमती है, मुझे इसे कोई काम नहीं है। मेरा संकल्प ये है कि तुम्हारे जैसे को ये दे दे। बहुत अच्छा, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, मगर इसमें तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? शाबाश, अच्छा सवाल किया। इस सोने के कड़े को दान में देने में मुझे पुण्य मिलेगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें प्राप्त होने वाले पुण्य को छोड़ो, तुम एक क्रूर जानवर हो, तुम बेरहम होकर लोगों का जान ले लेते हो, तुम्हारी बातों को कैसे मान ले? तुमने सही कहा, जवानी में मैंने कई लोगों को मारा था, कई लोगों को जान छोड़नी पड़ी, उसकी वजह से मैं पापी हो गया। एक मुनि को मेरे ऊपर तरस आ गया, इससे छुटकारा पाने के लिए दान देने की एकमात्र उपाय था, ऐसे उन्होंने बताया। इसीलिए इस सोने के कड़े को तुम जैसे योग्य व्यक्ति को दान में देकर अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाघ के इस तरह कहने से राही को सोने के कड़े के ऊपर लालच दुगना हो गया। फिर भी सोचते हुए बोला, तुम्हारी बातें सच मालूम होती है, मगर तुम्हें देखने में पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। राही रुको, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो। हाथ में आए हुए सोने की कड़े से हाथ मत धो बैठो। तुम्हारा डर मैं समझता हूँ, तुम्हारी शिक को मैं दूर करता हूँ। बुढ़ापे की वजह से मैं कई बीमारियों का शिकार हुआ हूँ, बूढ़ा सा हो गया हूँ। मैं उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मेरे नाखून सड़ गए हैं, दांत चले गए हैं, आँखों की रोशनी चली गई है। बाघ की बातें सुनने के बाद ये सोच कर कि सोने का कड़ा उसका होने जा रहा है, मन ही मन में खुश हुआ। बाघ की बातें सुनने के बाद उसे साहस मिला, बाघ के पास गया और कहा, ठीक है, चूँकि तुम अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, मैं सोने के कड़े को दान में लेने के लिए तैयार हूँ। बिना परिश्रम के शिकार मिलने पर बाघ को बड़ा आनंद मिला। उसने कहा, मेरे पास जो सोने का कड़ा है उसे मैं दान में दे देता हूँ, लेकिन पहले तुम झील के पास जाकर स्नान करके आ जाओ। अधिक लालच में जो था राही बिना किसी सोच के स्नान के लिए झील के पास चला गया। झील सारा कीचड़ से भरा हुआ था,
पैर रखने से ही फिसल रहा था। सोने के कड़े के मोह की वजह से राही वहां चला गया था। तुरंत कीचड़ में घुस गया, पैर बाहर नहीं निकल रहे थे। तुरंत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। इस तरह चिल्लाओ मत, मैं हूं ना बचाने को। और धीरे धीरे चलते हुए राही के ऊपर कूद पड़ा। उसे मारकर अपना पेट भरकर खुशी से विश्राम करने लगा। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.